तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर यानी कि तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, जो आज का मॉडल पेपर होने वाला है वो है हिंदी साहित्य फर्स्ट ईयर का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बीए थर्ड ईयर यानी तृतीय वर्ष से भी रिलेटेड कोई मॉडल पेपर बनाइए, तो फाइनली आज मैंने बना दिया है। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है पिछले साल का है यानी पिछले एग्जाम में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन, तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यह दिया गया है, आप देख लीजिए खुद ही, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आप लोगों को 21 नंबर का है, यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अथवा करके है, एक और है, चाहे आप ये करिएगा का नंबर, चाहे अथवा करके नीचे वाला करिएगा, एक ही करना है। ठीक है, जीत सके मुझे नहीं वो किसी भी विधिकरण में, कर्ण विजय की आस तड़प रह जाएगी, चाहे ये करिएगा चाहे ये ऊपर वाला करिएगा। ठीक है, करना क्या अपमान, ठीक है, इस अनमोल रतन का, मानवता की इस भूमि का, धरती के इस धन का, बिना राज्य नहीं वीरता को, इसको अधिकार तो मेरी यह खुली घोषणा सुन सकल संसार। तो मैं प्रसंग और व्याख्या के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, फिलहाल मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है, इसके आप लोगों की संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, संदर्भ कैसे लिखते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लिखना है आपको संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिससे भी लिया गया है, जैसे कि आरोही भाग वन से संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है, इसके रचनाकार विख्यात कवि जो भी हैं जैसे कि कबीर दास जी हैं। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिएगा, यानी शुद्ध भाषा में कहें तो आप लोगों को क्या लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही भाग वन संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि विख्यात कवि श्री तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। मैं इसका नहीं बता रहा हूँ कि इस पैराग्राफ को तुलसी जी ने लिखा है या इस पाठ्य से लिया गया है, ये आप अपने अनुसार लिखिएगा जिस रिलेशन से लिया गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को उसके बाद संदर्भ हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को प्रसंग कैसे लिखना मैं आपको बता देता हूँ। प्रसंग पे आते हैं, प्रसंग ऐसा रहेगा, प्रसंग आप हेडिंग डालिएगा जिसमें लिखिएगा जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया गया है उसमें कौन सा विचार, कौन सा भाव या घटना का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी को प्रसंग कहते हैं। तो आप लोगों को इसी तरह लिखना है कि उसमें किस वर्ड को विचार किया गया, घटना का वर्णन किया गया, उसी के बारे में आप लोगों को दो तीन लाइन में प्रसंग लिख देना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया, ये सब आपको व्याख्या करना है, अपने अकॉर्डिंग करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिनकर जी की काव्य भाषा की विशेषताओं पर सरगर्भित निबंध लिखिए। तो जी दिनकर जी जो थे, ठीक है, उनकी काव्य भाषाओं की विशेषता करना है। ठीक है, उन पर निबंध भी लिखना है, ये आप लोगों का 10 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, 3 से 4 पेज में आप 3.5 पेज में 3 पेज तक लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, या आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा करके दूसरा भी दिया गया है, ये कौन कौन सी विशेषताएं जिनसे होकर कर्ण का महान गौरवशाली चरित्र बना, ये नहीं आता तो आप ये कर दीजिएगा, तब भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको एक ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त के काव्य के भाव एवं कला पक्षों की विवेचना कीजिए, अथवा करके अज्ञेय छायोदोत्तर काल की कविता में सिमरु पुरुष है, इस कथन के परिपक्ष में उनके काव्य की प्रमुख विशेषता स्पष्ट कीजिए। आपको मैथिली शरण गुप्त के बारे में मालूम है तो उनके बारे में लिखिएगा, अदरवाइज आप अज्ञेय जी के बारे में लिख दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके 10th 12th से रिलेटेड हैं, ये सब आपने नाम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, दोबारा रिपीट हो रहे हैं अगर 10th 12th किया है फिलहाल, तो आप लोगों मैथिली शरण अज्ञेय, ठीक है, और दिनकर जी, इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा, बस आपको थोड़ा नॉलेज को गेन करके उसके आगे थोड़ा आपको डीपली लिखना पड़ेगा बस एग्जाम में। आपके मार्केट में सीरीज आ गए तो परचेज कर लीजिए, अदरवाइज इंटरनेट पे भी आपको पूरी सलूशन मिल जाती है, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, पूरी आपको सलूशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को ये मॉडल पेपर इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा हाँ एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या फॉर्मेट रहता है, ठीक है, कितने नंबर के रहते हैं और मॉडल पेपर कैसा होता है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो मॉडल पेपर है आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना मैं बता देता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा जहाँ पर लिखा होगा
www.sandeepinfo.com उस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ से आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। रघुवीर सहाय के काव्य के कलापक्ष को स्वधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो रघुवीर जी सहाय जी हैं उनके कला के पक्षों को आपको उदाहरण ठीक है सहित उनको स्पष्ट करना है। तो ये भी आप लोगों को 10 नंबर है, अथवा करके है, तो अथवा वाला हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहाँ है, जो दूसरा क्वेश्चन था वो आप लोगों को ये दिख रंग मिला है अथवा करके जो था कभी। ठीक है, तो कभी त्रिलोचन की कविताओं के काव्य सौंदर्भ को स्वधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको स्पष्ट करना है या विशेषता बताना है तो कम से कम आप 2.5 से 3 पेज जरूर लिखिएगा, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयोगवादी कविता का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रयोगवादी कविता का संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है, उसके बाद उनकी विशेषताएं के बारे में बताना है डीपली में, अथवा करके दूसरा क्वेश्चन छायावादी काव्य के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस के स्वरूप को सुस्पष्ट करते हुए किन्हीं 3 रसों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप लोगों को रस के स्वरूप को सुस्पष्ट करते हुए किन्हीं 3 रसों के बारे में बताना है। ठीक है, लक्षण उनके उदाहरण सहित। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस आपको समझने की आवश्यकता है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अथवा करके दीर्घ कविता परंपरा एवं रचना विधान पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को निबंध लिखना है। तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप लोगों को आइडिया आई होप लग ही गया होगा कि हाँ एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमको उसका आंसर देना है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो का आंसर होगा आप लोगों का, अगर क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है, जैसे 10 नंबर का है तो कम से कम आप 3 पेज ज़रूर लिखिएगा। अगर 20 नंबर का है तो आप उसे बना चढ़ा के 5 पेज तक लिख ही दीजिएगा। 5 पेज तक, 5 पन्ने मत लिखिएगा लेकिन 5 पेज तक तो लिख ही दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि आप लोगों को किस चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज है। जैसे कबीर दास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, या दिनकर जी हैं, अज्ञेय जी हैं, इन सब लेखकों के बारे में आप लोगों को कितना गेन है, इनके बारे में कितना डीपली पता है, ये सब आप लोग उसमें लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये मालूम हो जाएगा, हाँ इस बंदे को मालूम है, अच्छे से इसने लिखा है। भले आप बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, सेंटेंस आप रॉन्ग हो सकते हैं, बट आप लिखिएगा ज़रूर अच्छे से, क्योंकि ये जो रिटर्न जो एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को यही देखा जाता है कि बंदे ने कितना लिखा है। ठीक है, और ये भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं कि सही लिखा है गलत लिखा है, ये भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ रहती हैं तो फर्स्ट पेज और दूसरा पेज और लास्ट के पेज ज़्यादा अच्छे से देखे जाते हैं, अदरवाइज मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो थर्ड ईयर है इसमें आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आंसर शीट मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, उसी में आप लोगों को क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, और आंसर में आप लोगों को अपना आंसर लिखना है, रिटर्न में होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि सर क्या तृतीय वर्ष में या द्वितीय वर्ष में, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हमें ओमआर शीट मिलेगी, हमें गोला करना होगा, टिक करने वाले आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आंसर शीट मिलेगी, जिसमें आपको आंसर लिखना होगा पेन से। ठीक है, गोला करने वाला कोई सिस्टम नहीं, ना ओमआर शीट मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में इस जो मॉडल पेपर था इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल आप लोगों के 6 क्वेश्चन थे, 6 में आप लोगों को 70 मार्क्स का था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट भी लाना चाह रहा हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देते हैं। और हाँ, मैं तो ये भूल जाता हूँ आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, कि दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब मैं 666 से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।